हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मंडे न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे थॉर से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करते हो तो आपको ये अपडेट पहले ही पता चल चुका होगा। और ये वीडियो स्पेशल थॉर फैंस के लिए जो कि थॉर के कैरेक्टर को काफी ज्यादा प्यार करते हैं और क्रिस हेम्सवर्थ से काफी ज्यादा लव करते हैं। तो आपके लिए खुशखबरी है कि थॉर यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ ने एमसीयू में काफी सारी मूवी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। अब मूवी का नाम तो रिवील नहीं करा गया, पर अभी हाल ही में रिपोर्ट में ये पता चला है कि क्रिस हेम्सवर्थ ने अभी एमसीयू में कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि क्रिस हेम्सवर्थ की अपकमिंग मूवी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी नहीं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में काम करेंगे। और ये बात कंफर्म करी है जेम्स गन ने, वो इस मूवी का नाम चेंज करके एस गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी रखने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जेम्स गन ने ये बात खुद ही कंफर्म करी अपने ऑफिशियली इंस्टाग्राम स्टोरी पर डालकर। और मैं उन्हें फॉलो करता हूं पर्सनली, तो ये स्टोरी मुझे सबसे पहले देखने को मिली और ये अपडेट भी मुझे पता चला। तो मैंने सोचा कि इन दो अपडेट को एक साथ वीडियो में बना के डाल दिया जाए। तो आप काफी ज्यादा खुश होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें थॉर एस गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में देखने को मिलेगा, मूवी का नाम भी चेंज हो गया और अपकमिंग और भी मूवीज में देखने को मिलेगा। और उसी के साथ एक छोटा सा लिटिल बिट अपडेट आपके लिए खुशखबरी देने के लिए कि एस गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में एक और कैरेक्टर कास्ट करा गया, वो है पॉप सिंगर लेडी गागा। अब लेडी गागा किसका रोल प्ले कर रही है, तो आप सभी जानते होंगे वेंडी कूपर जो कि रॉकेट रकून की आवाज निकालते हैं, वॉइस ओवर देते हैं, इसीलिए वेंडी कूपर के साथ शायद लेडी गागा को कास्ट कराया। और मेरे हिसाब से ये रॉकेट रकून की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करने वाली है। अब उसका नाम क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि इससे ज्यादा मैं न्यूज नहीं देने वाला हूं। और देन उसी के साथ एमसीयू में फ्यूचर में हमें मार्वल फेज 4 में दो विलेन का रूमर आया है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्वल फेज 4 1, 2, 3 में हमें एक विलेन दिखाया गया था थैनोस, पर अब मार्वल फेज 4 में 2028 तक हमें दो विलेन देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से तो या तो गैलेक्टस हो सकता है चाहे नॉर्मन ऑसबोर्न होता है। आपके हिसाब से क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियल में आपको जो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पर आयरन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।